राजधानी जयपुर के एक होटल में महिला एवं बाल विकास विभाग की जोनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार की ओर से 8 ईयर्स ऑफ अचीवमेंट द इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन थीम पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विकास विभाग केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई, राजस्थान से महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई ने कहा कि राष्ट्र के सर्वोपरि विकास के लिए हमारा महिला बाल विकास काम कर रहा है। वहीं ममता भूपेश ने भी राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण और बाल विकास के संचालित योजनाओं की जानकारी दी और केंद्र सरकार पर समय पर पैसा जारी नहीं करने का आरोप भी लगाया। आज मैं जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की 8 साल कंप्लीट किए एनडीए गवर्नमेंट ने, उसमें महिला और बच्चों के डिपार्टमेंट में हमने क्या क्या काम किया उसके बारे में हमने सब जोनल मीट चालू किया है, उसका आज 7वां मीटिंग है। आगे भी कुछ स्टेट कवर किए, अब भी हम कुछ स्टेट कवर करने वाले, उसमें स्पेशली जब बच्ची हमारे वहाँ उसका बर्थ होता है तब से सुकन्या समृद्धि योजना चालू होती है। उसके बाद बच्ची बड़ी होती है, स्कूल में पढ़ाई करनी है तो कस्तूरबा विद्यालय है, वो 23 ईयर्स का हो जाएगा तो उसको लमसम हम 10 लाख रुपीज़ देंगे, जैसे उसका फ्यूचर अच्छा बना सके। ऐसे प्रधानमंत्री जी बार बार हर तरह के प्रयास करें जैसे बच्चों और महिलाओं के एम्पावरमेंट हो। जोनल मीटिंग आज की जा रही है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ा गया है। मैं समझती हूँ इस तरह की बैठक जो अंतर्राज्यीय बैठकें हैं इनमें लाभार्थियों के विचारों का आदान प्रदान, विभाग की गतिविधियां, राज्यों की समीक्षा, ये एक अच्छी पहल है। इस तरह की मीटिंग्स होनी चाहिए जिससे राज्य क्या कर रहे हैं, कौन सा राज्य आगे बढ़ के काम करना चाह रहा है, कौन से राज्य ने इन तमाम योजनाओं के ऊपर पहल की है, बेनिफिशरीज बढ़ाए हैं, स्कूल प्री स्कूल के लिए बच्चों को समय पे कार्य किया, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। मैं समझती हूँ कि हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन था राजस्थान का वो अव्वल रहा है, राजस्थान हर मुद्दे पे